Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उमर रियाज और आसिम रियाज और हिमांशु खुराना के बारे में। साथ ही साथ ये न्यूज़ रिलेटेड है आप सभी फैन से भी। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि आसिम रियाज बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, घर के बाहर आ चुके हैं, उन्हें काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा दखल देने स्टार्ट कर दिए। आपको पता होगा हाल ही में आसिम और हिमांशी हमें एक साथ दिखाई दिए थे बिग बॉस के घर के बाहर, तो उसको लेके काफ़ी फैंस नाराज हैं। तो उसी नाराज़गी में एक उमर रियाज ने, यानी आसिम रियाज के फादर भाई ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ऑल यू फैंस नीड टू रिलैक्स, ही हैज़ एंटरटेन्ड यू ऑल दीज 4 months एंड यू हैव प्लेड क्रूशियल पार्ट इन दैट, सो इफ़ ही वांट्स समवन इन हीज पर्सनल लाइफ लेट्स एक्सेप्ट इट। At the end of the day, all you want is loved ones in your life who support you and make you feel good about yourself. तो मुझे लगता है उमर रियाज ने जो ये जो बात कही है ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि ये आसिम रियाज की पर्सनल लाइफ है। हमें आसिम रियाज को पर्सनल लाइफ में स्पेस देना चाहिए। जितने भी आप फैंस हैं थोड़ा आप स्पेस दें पर्सनल लाइफ में, थोड़ा उन्हें पर्सनल लाइफ के बारे में उतने क्वेश्चन ना करें, वरना जितने भी आसिम के हेटर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मौका उनकी चुटकी लेने में, उनका मजाक उड़ाने में वो मौका मिलेगा। और अगर ये मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता अच्छी बात होगी। आसिम ने हाल ही में पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने 2 फोटो पोस्ट की थी और लिखा था मेरी रानी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, आप जैसा देख भी रहे होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।